नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस आए, 911 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच में अब देश में एक्टिव केस 4,00,000 से ज्यादा है। कोरोना के मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त हुई है, 24 घंटे में 35,000 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 93 से ज्यादा केस मिले हैं, 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 800 से ज्यादा केस एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना के 55 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 10 लोगों की जान चली गई है, 77 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, अब एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। सरकार से बातचीत के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी कंडीशन की होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बात करने के लिए कह तो रही है लेकिन ये कोई भी कह दिया गया कि कानून वापस नहीं होगा, हमने कोई शर्त नहीं लगाई है, अगर कानून वापसी पर चर्चा होती है तो हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि हम 8 महीने से आर पार के मूड में ही बैठे हैं, जो जिस भाषा में आर पार को समझता हो वही समझे, हम तो कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे हैं, हमें छोड़ो नहीं, और सरकार कह रही है कि यहां से चले जाओ। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसी पार्टी की होती तो जरूर बात करती लेकिन सरकार को कंपनियां चला रही हैं, देश को लूटने का प्लान कर रही हैं, देश की जनता को लुटेरों को भगाना होगा। गुनाम चंडूनी के चुनाव लड़ने के बयान पर कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि अब ये लोग सही ट्रैक पर आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि ये चुनाव लड़ें जिससे साफ हो जाए कि कितने किसान इनके साथ हैं और कितने नहीं। कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि हमें जनता ने चुनकर भेजा था, हमने किसान के भले के लिए कृषि कानून बनाए, ये इन कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ लें और अगर जनता इनको चुनती है तो कानून को रद्द कर दें। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कुरुक्षेत्र आने से पहले किसानों ने कैथल कुरुक्षेत्र मार्ग पर जाम लगा दिया, किसानों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर राज्य मंत्री का विरोध किया, इस दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभागार में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची थी, यूनिवर्सिटी के गेट के सामने किसानों ने इकट्ठा होकर के कार्यक्रम का विरोध किया। हरियाणा बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने पार्टी कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस दौरान बीजेपी सांसद राजकीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा नायब सैनिक कर्णदेव कंबोज मौजूद रहे। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि मंत्रिमंडल बदलाव में 27 मंत्री ओबीसी कोटे से लिए गए हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार, इस सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। हरियाणा की बीजेपी ओबीसी की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, ओबीसी कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री, 2 महामंत्री होंगे, 1 कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी और आईटी प्रभारी बनाया गया। करनाल में महंगाई को लेकर के आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, सेक्टर 12 के पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा होकर के उपायुक्त कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताने के लिए सिरसा की सड़कों पर भीख मांगा, कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का लालच लेकर सत्ता में आई बीजेपी वायदे भूल गई, रोजगार देने की बजाय छीनने की नीतियां बना रही। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए छोटे दुकानदारों, गरीबों से सरकार का ध्यान हट चुका है, प्रदर्शनकारियों ने जुमले नहीं जवाब दो के नारे लगाए। बढ़ती बेरोजगारी महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में अर्धनग्न होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जो वादे देश के युवाओं से किए उसमें वो खरी नहीं उतरी, इसी के विरोध के चलते उन्होंने अर्धनग्न होकर के ये प्रदर्शन किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फरीदाबाद में जिला उपायुक्त कार्यालय में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन ने लोगों का कहना है कि पिछले 7 साल से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर संघर्ष जारी है, आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे। बाल मजदूरी की मिल रही शिकायतों पर बाल संरक्षण यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने जगाधरी में छापेमारी की है, सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में जब टीम पहुंची तो वहां बहुत से बच्चे काम करते मिले, टीम को देखकर कुछ बच्चे भाग गए, 9 बाल मजदूरों का टीम ने रेस्क्यू कर लिया और अब इन्हें CWC कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, इनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। निजी स्कूल संचालकों की फीस को लेकर मनमानी से परेशान होकर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा रहे हैं, सोनीपत के गांव शहजादपुर में पिछले साल की तुलना में इस बार एडमिशन में इजाफा हुआ। स्कूल प्रशासन ने भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया है, शिक्षा विभाग की तरफ से किताबें न मिलने के बावजूद भी बच्चों में किताबों का आदान प्रदान कर उनकी पढ़ाई को सुचारू करके मिसाल कायम की गई।
कैथल में हाईवे 152D का निर्माण पूरा होने से पहले ही यह हाईवे विवादों में है। हाईवे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सरकारी सीमेंट के 101 कट्टे पुलिस ने पकड़े। हाईवे के गोदाम से ट्रैक्टर ट्रॉली में लूट करके सरकारी सीमेंट ले जाई जा रही थी। सीमेंट के कट्टों पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। गोदाम का मुंशी सीमेंट पकड़े जाने के बाद से फरार। चंडीगढ़ में कारोबारी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनकी बहन अलविदा खान अग्निहोत्री और उनकी कंपनी बींग ह्यूमन के सीईओ और बाकी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कारोबारी ने 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि बींग ह्यूमन कंपनी ने मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ रुपए की लागत से शोरूम खुलवाया, बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया। कंपनी की वेबसाइट भी लंबे समय से बंद पड़ी। भिवानी में राज्यमंत्री अनूप धांग की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें 20 शिकायतें रखी गई हैं। बैठक के दौरान दरियापुर के पटवारी की शिकायत पर मामले को लेकर के हंगामा हो गया। हंगामे के बाद पटवारी को मंत्री ने निलंबित करते हुए अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। पटवारी की लापरवाही की वजह से एक किसान की फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाई, इस कारण 3 साल से उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। होटल कैसनपुर चौक पर एचडीएफसी बैंक में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने तत्परता दिखाई और इस वजह से आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अगर दमकल की गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी नुकसान का आंकलन फिलहाल नहीं हो सका है। चरखी दादरी में 2 ट्रक में आग लगी है। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को PGIMS रोहतक रेफर किया गया। इसमें 1 डंपर लोडेड था, दूसरा खाली था। दोनों के आमने सामने की भिड़ंत हुई है। बरसाना गांव के पास की यह घटना है। पुलिस इस मामले की जांच में लगी। रोहतक के सैनीपुरा निवासी योगेश्वर के क्रेडिट कार्ड से 2,88,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने तुरंत क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाया। मामले की शिकायत पुलिस और साइबर सेल में दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि वो छोटूराम चौक पर चाय की दुकान चलाता है। इसी दौरान 2 मिनट में उसके मोबाइल पर करीब 20 OTP आ गए और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलने लगे। अनाज मंडी में ट्रैक्टर चोरी करके ले जा रहे एक व्यक्ति को ट्रैक्टर मालिक ने देर रात पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। चोरी की हो रही घटनाओं पर रोष जताने काफी संख्या में आड़ती और व्यापारी पुलिस चौकी पर पहुंचे हैं। पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। दरअसल बीती रात को अनाज मंडी की एक दुकान के बाहर किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रैक्टर चोरी कर लिया, लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो पकड़ा गया। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के रोष प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए, इसके बाद वहां पर नारेबाजी करते हुए पेहुआ चौक पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार देना तो दूर, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। पानीपत के सराना विधानसभा से विधायक बलबीर वाल्मीकि के भाई का 4 दिन के बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। 5 जुलाई की शाम से बगैर कुछ बताए घर से लापता। पुलिस कप्तान से मुलाकात करने पहुंचे विधायक बलबीर वाल्मीकि ने अपने भाई की जल्द तलाश की लिए उनके साथ चर्चा की। इसके साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थानों पर लगे CCTV कैमरे भी चेक करवाने के लिए कहा। हिसार में 350 किसानों पर FIR दर्ज मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर से मिलने पहुंचा। 1 महीना बीत जाने के बाद भी रद्द नहीं हुई FIR। 24 मई को कमिश्नर से मीटिंग में हुआ था FIR रद्द करने का समझौता। नूह में गर्मी का सितम लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। गर्मी के चलते पंखा कूलर के बिना गुजारा करना भी भारी हो गया है। इससे बिजली के बिल भी अब ज्यादा आ रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी के चलते हो रही बीमारियों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को जांच के बाद निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। सोहना के गांव खोबर में कुछ दबंग लोगों ने मामूली बात को लेकर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसके बाद इसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ितों के बयान को लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ितों का कहना है कि मामूली झगड़े के बाद भी दबंगों ने उनके घर में आकर मारपीट की। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.56 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 106.59 रुपए प्रति लीटर है। दिल्ली में डीजल की कीमत 89.62 रुपए और मुंबई में 97.18 रुपए प्रति लीटर। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस की बैठक हुई है। इसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस साइकिल रैली निकालेगी। अशोक अरोड़ा ने कहा, बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा है। आम आदमी का जीवन यापन और हर चीज महंगी है। ना ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर रही है, ना ही महंगाई को। लंबे समय से सिरसा शहर से अनाज मंडी को काट मंडी को शिफ्ट किए जाने की मांग उठ रही है। शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए मंडियों को स्थानांतरण करने के प्रोजेक्ट फिलहाल पाइपलाइन में ही है।
हरियाणा सरकार की कुछ स्तरीय टीम सिरसा पहुंची है। मंडियों को शिफ्ट करने के लिए प्रस्तावित स्थानों का अवलोकन किया गया। बीजेपी ऑफिस में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। स्पीकर ने समस्याओं का समाधान भी किया। जज्जर के गांव में मासूम के गले में घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए लगाई गई रस्सियों का फंदा खेल खेल में लग गया। अचानक लगे फंदे से बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मासूम के परिजन उसको आनंद फानंद में इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर के गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजभवन पहुंचकर हरियाणा के पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम ने उन्हें त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। फरीदाबाद से गुड़गांव जाने वाली मेट्रो रेल के प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन की लिस्ट डीएमआरसी ने हरियाणा सरकार को भेजी है। फरीदाबाद बाटा चौक मेट्रो स्टेशन, गुड़गांव वाटिका चौक स्टेशन तक इस रूट पर 8 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के विकास के लिए गुड़गांव से मेट्रो को जोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है। नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री का इसके लिए धन्यवाद किया। रोहतक में नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। नगर निगम में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। कोरोना काल में तो इन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहा गया, लेकिन आर्थिक सहायता देने की बात पर सरकार पीछे हट गई। सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाकर के झज्जर में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के सफाई कर्मचारियों ने रोष जताया, शहर भर में प्रदर्शन किया। संगठन के नेताओं ने यह मांग की है कि सरकार जिन मांगों पर सहमति बना चुकी है उसे तुरंत लागू करने के आदेश को जारी करे, नहीं तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। सोनीपत में लाल डोरा में बने हुए मकानों की रजिस्ट्री करवाकर मालिकाना हक दिलवाने का काम जोरों पर चल रहा है। जिले में सभी गांव में लाल डोरे की ड्रोन की मदद से मैपिंग करने के बाद घर घर जाकर के जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गांव सांदलखुर्द में गांव के चौकीदार और ग्राम सचिव घर घर जाकर के लाल डोरे में बने मकान मालिकों की रजिस्ट्री करवाने को लेकर के जानकारी ले रहे हैं। करनाल में पंचायत राज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बरवाला ब्लॉक के गांव ईशरहेड़ी में विकास के लिए आई ग्रांट के 26.79 लाख रुपए एक शख्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। करीब 5 सालों में 26.79 लाख रुपए शख्स के खाते में जमा हो गए। सितंबर 2016 में पहली एंट्री हुई थी और अब तक 35 एंट्री हो चुकी है। फरीदाबाद में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि खूरी गांव से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय प्रशासन के पास है। अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि कुछ लोगों का अनुरोध आया है कि वो अपने घरों का सामान ले जाना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें सामान ले जाने के लिए और समय दिया जा रहा है और ट्रक की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खूरी गांव के मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सबसे पहले अस्थायी तौर पर पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बने मकान को तोड़ा गया। तोड़फोड़ के बाद खाली हुई जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मकानों को तोड़ने से पहले लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस प्रशासन संबंधित विभाग के अधिकारियों को ही आने की यहां पर सिर्फ अनुमति है। खूरी गांव में धारा 144 को लगा दिया गया है। प्रशासन करीब 100 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई करेगा। नानौल हेफेड ऑयल मिल में आगजनी की जांच में जीएम मैनेजर फील्ड इंस्पेक्टर और क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। जीएम के सस्पेंड होने के बाद रेवाड़ी के जीएम को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। नानौल हेफेड में आगजनी हुई थी, इसके चलते तकरीबन 3 करोड़ के नुकसान की आशंका भी है। काफी मात्रा में सरसों का तेल बारदाना जलकर राख हो गया था। उत्तर भारत में लगातार बढ़ते पारे ने जहां लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो फिर वहीं गुड़गांव की यूनिटेक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में रहने वाले लोगों की परेशानी दोगुनी है। लोगों ने बिल्डर ऑफिस पर जाकर के प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 15 दिनों से इनके घर में पानी का प्रेशर ठीक से नहीं आ रहा है। इसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर के बाद पानी ऊपर पहुंचता ही नहीं है। लगातार शिकायत देने के बावजूद इसका कोई समाधान अब तक नहीं हुआ। गुड़गांव में ऐप के जरिए फर्जी FIR तैयार करके PGO होटल संचालकों को चूना लगाने वाले एक नकली पुलिसकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने फर्जी आई कार्ड बरामद किया। ACP क्राइम की माने तो सदर थाने में मोनू नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि विजेंदर नाम के एक व्यक्ति जो कि अपने आप को पुलिसकर्मी बताता है FIR के नाम पर पैसों की मांग कर रहा है।
इस पर थाना सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए आरोपी की पहचान भिवानी निवासी विजेंदर के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में मालूम यह चला है कि विजेंदर ने ऑनलाइन FIR की डुप्लीकेट कॉपी को तैयार करके ऐप के जरिए FIR बना ली और गुरुग्राम के PG संचालक को डर दिखा करके पैसों की मांग की गई। 8 साल की बच्ची PGI चंडीगढ़ से सर्जरी करवाकर यमुनानगर घर लौट आई, लेकिन अभी भी मासूम खौफ में है। उससे खौफ से बाहर निकालने और हौसला देने के लिए चाइल्ड लाइन की टीम बच्ची के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंची। चाइल्ड लाइन डायरेक्टर को जब मासूम की मां ने पूरी आपबीती बताई तो उनकी टीम ने बहादुर मां के जज्बे को सलाम किया। बच्ची की मां ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़वाया था। चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर ने बताया कि दूसरी विजिट में भी बट्टे के मालिकों से मुलाकात नहीं हो पाई और ना ही फोन पर कोई बात हुई है। प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसा सर्कुलर जारी करवाएं जिससे भट्टा मालिकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो पाए। युवा पुलिस ने 3 जिलों से 69 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थ को नष्ट किया है। अंबाला रेंज के IG भारती अरोड़ा ने इस मामले की जानकारी दी है। IG भारती अरोड़ा ने कहा कि नशा तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर के पुलिस कार्रवाई करती है। जब्त होने वाले नशीले पदार्थ को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है। पानीपत के सेक्टर 6 में होंडा शोरूम के मालिक ललित गोयल की गाड़ी में 4 टायर चोरों ने गायब कर दिए। इसके बाद उनकी गाड़ी को ईंटों पर खड़ी कर दिया। ललित गोयल के मुताबिक CCTV कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि 2 चोर ब्लैक कलर की गाड़ी में आए और गाड़ी के 4 टायर को चुराकर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल पश्चिम बंगाल की लड़की से रेप में फरार आरोपियों पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। झज्जर पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की सिफारिश की थी। मामले की जांच कर रही SIT इंचार्ज DSP पवन कुमार के मुताबिक रेप के आरोपी अनूप चनोत और अंकुर सांगबान पर इनाम घोषित किया गया है। इनको गिरफ्तार करवाने में मदद करने वाले लोगों को यह राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ कुलगाम के रेडवानी इलाके में हो रही है। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की आशंका है। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में यह तीसरी मुठभेड़।